चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे सुकमा से। इस वक्त मिल रही मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत की जानकारी मिल रही है। एक नक्सली को मार गिराया है शव के साथ, अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। तुलसी डोंगरी की पहाड़ियों पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दो दिन पहले भी निकली पुलिस अब भी जंगलों में सर्चिंग पर जुटी हुई है। दो दिन पहले पुष्पाल थाना क्षेत्र से ये पुलिस निकली हुई थी। डीआरजी की पार्टी घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते पार्टी अभी भी जंगलों में सर्चिंग कर रही है। जिले के पुष्पाल थाना क्षेत्र का ये मामला है। एसपी सौलभ सिन्हा ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को लगी है हाथ। दो दिन पहले भी सर्चिंग पर पार्टी निकली हुई थी, तब भी मुठभेड़ हुई थी। एक नक्सली को ढेर कर दिया था। एक महिला नक्सली घायल हुई थी जिसको गिरफ्तार कर इलाज उसका कराया जा रहा है। शिवा यादव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवा, लगातार जो सर्चिंग पार्टी है उसको लगातार कामयाबी हाथ लग रही है। दो दिन पहले भी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी, तो उसके बाद कल एक जख्मी महिला नक्सली भी मिलती है, उसको इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है, पूछताछ जारी है। आज फिर से मुठभेड़ होती है, एक नक्सली को मार गिराया। किस तरह से देखा जाए इस सुरक्षा बल की इस भूमिका को? सुरक्षा बल लगातार इस क्षेत्रों में नक्सली पर दबाव बनाए हुए हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी का नतीजा है कि नक्सली अभी बैकफुट पर है और नक्सलियों को नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दूं कि दो दिन पहले डीआरजी की टीम जो जंगलों में निकली हुई थी, तुलसी डोंगरी जो कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र माना जाता है, वहां पर नक्सलियों की सूचना मिली थी, जहां डीआरजी के जवान पहुंचे और मुठभेड़ हुआ जिसमें एक नक्सली शव बरामद हुआ, साथ ही एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इंदौर में भी सहायक आबकारी अधिकारी आलोक